पहले छोटी की शादी कर दो। लो ये भी तुमने खूब बात बताई है, अगर पहले छोटी की कर दी तो फिर सादिया का चांस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट प्राइज। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, बेटी आखिर जिसकी है। यही ढेर लगाती जाना। मुझे ऐसा लगता है जैसे सादिया अली बिल्कुल एक सिफर है। यकीनन फिर कोई रिश्ता आया होगा तुम्हारा। मेरे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे घर वालों को इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें ब्याहने की। आखिर मेरे पीछे मेरी दो बहनें भी तो हैं ना, वरना मेरा ख्वाब तो हायर स्टडीज का है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये वाहियात चीजें पसंद नहीं है। हाँ बेटा ठीक है, अगर आप लोगों ने इस घर में रहना है तो इस घर के वकार और असूलों पर अमल करना ही होगा। नासिरा अकील की शादी करना चाहती है, और वो भी पता किससे? अपनी सादिया से। अच्छा? हाँ, जल्द आने का कह रही थी। अच्छा, फैसला ने तो कभी इशारों में भी सादिया का जिक्र नहीं किया। किसी अपनी सहेली के साथ जाओ, समझ बूझ वाली हो, और जाके अपने लिए कोई अच्छा सा जोड़ा खरीदो अपने नाप का। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फुप्पो ने आप ही का रिश्ता अकील भाई के लिए मांगा है। जिस किसी को भी मैं रिश्ते के लिए बुलाती हूँ तुम्हें देखती है और पता नहीं क्यों हुमा को पसंद करके चली जाती है। अरे कुछ तो रहम करो मेरे हाल पर, क्या सारी जिंदगी तुमने माँ बाप के घर पे बैठना है? वैसे आप ही अकील के सामने तो तुम हूर परी से कम नहीं दिखोगी। हाँ तो और क्या, और बस अब बहस की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तुम में इतनी अकल नहीं आई है कि लड़की के लिए अपना घर बड़ा जरूरी होता है। और खैर फिक्र मत करो, तुम्हारी तालीम मुकम्मल होगी, उसके बाद ही तुम्हारी शादी होगी। जी अम्मी। हे हे, क्या पता वो अकील को अपने साथ ले आए, और क्या पता नासरा अपने साथ किसी ससुराल वाले को ले आए। हुमा बेटा तुम बहन को तैयार कर देना अच्छी तरह से। ठीक है। हाँ हाय कितना मजा आएगा ना, मैं तो ढेर सारे कपड़े सिलवाऊंगी। अच्छा मेहंदी में ना हम दोनों एक दूसरे। हाँ हाँ ठीक है, बस तुम दोनों शुरू हो जाओ, अब हमारी खैर है। सादिया बैठो बैठो बैठो। बेटा क्या तुम अपने रिश्ते की वजह से परेशान? नहीं अबू, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब मैं समझता हूँ बेटा, जानती हो तुम इतनी सी थी, जब ही तुम्हें देख के मैं समझ जाता था कि तुम्हारी बेटी कब खुश है और कब नहीं। अबू मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, मगर मैं चाह रही थी कि शादी से पहले मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लेती। ये बात मैंने तुम्हारी नासरा फूफो से पहले ही कर ली है, और अकील को भी तुम्हारी पढ़ाई पे कोई इतराज नहीं। शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, मेरा यकीन करो बेटा, मैं खुद भी तुम्हारी पढ़ाई में कभी कोई हर्ज नहीं करूंगा। मुझे आपकी बात पर यकीन है अब्बू। तो फिर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो ना बेटा? जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां अता कर। हाँ जीती रहो। ये लो पानी।
और शाइस्ता बहन खाली खोली पानी, अरे तुम्हें हमारे उसका अंदाजा नहीं, वो क्या कहते हैं वेलियों का, मैं ठंडी बोतल से कम पीती नहीं हूँ, ये रख। अरे वो घर में कोई लड़का ही नहीं था ना, किससे मंगवाती? अच्छा तो मैं जब जाऊंगी ना उस वक्त मुझे 100 रुपए दे देना, मैं जाते जाते ठंडी बोतल पीती चली जाऊंगी। 100 रुपए की बोतल? अरे क्या कर रही हो सफूरा बहन, दुकानदार अपना बदल लो, बहुत महंगा है ये। भला क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हारे लिए भी तो हम भी तोबा तोबा झूठ बोल बोल कर इधर उधर से रिश्ते घेर कर लेकर आते हैं और तुम हमें ठंडी बोतल भी नहीं पिला सकती। ऐसा एहसान ना जताओ। और वैसे तुम्हें ये मैं बता दूं कि हमारी लड़की का रिश्ता तय हो गया है। हैं? तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो गया? कब हुआ, किसने किया? अरे मेरे इलाके में मेरे होते हुए कोई औरत बात कैसे पक्की कर सकती है? हैं? कौन है वो? अरे क्या ये दादागिरी है तुम्हारी? वो शाइस्ता बहन, ये तो मैं मजाक कर रही थी, अगर बड़ी का रिश्ता तय हो गया तो छोटी भी तो है, है? मेरे पास एक से एक इतने शानदार रिश्ते हैं, कहो तो मैं लेकर आऊं। अरे लड़के वाले कहते हैं कि लड़की गोरी चिट्टी खूबसूरत होनी चाहिए, वो है ना हुमा? अभी तो उसके बारे में सोचा भी नहीं है, और अभी उसकी उम्र ही कहाँ है। लो भला ये क्या बात हुई? जब इरादा होगा ना सबसे पहले तुम्हें बता दूंगी। अब मुझे माफ करना, घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। मुझे भी माफ कर देना, तोता चश्मी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं, बड़ी लड़की का रिश्ता होने के साथ ही आंखें यहाँ पर आ गई, यहाँ पर। अरे मेरी वैल्यू का अंदाजा नहीं है, याद करोगी मुझे? हाँ नहीं तो हाँ, पहले कहती हैं ढूंढो और फिर कहती हैं जाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? वो मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस में? फौरन से पेशता घर पहुँचो। जी बिल्कुल। मैंने कहा ना घर पहुँचो। हसन, कुछ पता तो चले हुआ क्या है? कहाँ थे तुम? वो मैं तो अरे ऑफिस में था। और कहाँ था? अच्छी तरह जानता हूँ कहाँ था। ये खानदान की इज्जत सड़कों पर उछालता फिर रहा है, और आप कह रही हैं ऑफिस में था ये? अरे हसन बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं, अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, सड़क पर लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए, हद होती है आवारागर्दी की। इस घर के वकार या नवाब साहब की इज्जत पर जर्रा बराबर भी आंच आई तो भूल जाऊंगा कि हमारा खून है क्या। देख लिया, खून का ताना देके गया है। अरे सौतेला आखिर सौतेला ही रहता है, खुद तो कमबख्त लड़की छेड़ नहीं सकता, बुड्ढा हो गया। अब अगर इस जवान लड़के ने किसी लड़की को छेड़ दिया तो क्या बुराई है इसमें, उम्र है उसकी। जाओ अंदर, चल जा मेरा बच्चा, आइसक्रीम रखिए खा। तुमने सर चढ़ा रखा है इसे। अरे चुप रह, सर चढ़ा रखा है, अपनी मर्जी से जिए भी नहीं।
देखा कैसा निखरा निखरा सा रंग लग रहा है अब आपका। लेकिन तुम्हारे पास ये सब कुछ आया कहाँ से? तुम्हें तो इस सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। यार वो मेरे साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, पढ़ाई काला पक्का रंग है बेचारी का, लेकिन जब कभी वो ये क्रीम लगा कर आती है ऐसी गोरी लगती है, ऐसा ग्लो आता है उसके चेहरे पे कि मत पूछो। और मेरे ख्याल से कोई हर्ज भी नहीं है ये सब चीजें लगाने में। आप ही तुम तो ऐसे ही इनसे दूर भागती हो, और फिर तुम्हारा रंग तो उससे काफी बेहतर है। वैसे आप ही तो जहाँ है जैसी है की बुनियाद पे कबूल कर ली गई है, उन्हें क्या जरूरत है ऐसे खराब की। और अभी ये क्या इतनी कस के चोटी बांधी हुई है यार, कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाकर जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ बाल खोल लेना या जूड़ा बांध लेना। हाँ जूड़ा तो बांध सकती है ना। शाइस्ता, अभी अभी वो नासिरा का फोन आया था। अच्छा? वो लोग 15 मिनट में बस पहुंचने वाले हैं, और नासिरा के साथ वो नासिरा की नंद भी आ रही है। हाँ तो सब कुछ तैयार है यहाँ पर, चाय उनके आने पर ही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है। सीमी, सीमी ए, कहाँ चली गई? पता नहीं क्यों ये 16 सिंगार करने बैठ गई है। करे भाई सब घर पे हो। अरे कौन सा घर है तुम्हारे भाई का? लो ये तो आ गया, बस ये तो है, आओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसी हो नासिर? मैं ठीक हूँ भाई जी, आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम भाभी। कैसी है भाभी? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी है मेरी बेटी। माशाल्लाह भाई जी, सादिया बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही। एक बात बताऊँ आपको, अल्लाह मैंने आपको 3 बेटियां नहीं 3 हीरे दिए हीरे। अच्छा तो क्या यहीं खड़े खड़े हम बातें करेंगे? आइए ना बैठते हैं। जी भाभी आइए। शुक्रिया भाई। भाई जी भाभी, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई। आई बड़े मान से हूँ, मना मत कीजिएगा। तो मांग के तो देखो, अगर हमारे बस में हुआ तो इनकार नहीं करेंगे। क्यों, ठीक है ना? दरअसल मैं अकील की शादी करना चाह रही हूँ, और अकील की और मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी बेटी हुमा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। हद होती है, मैं तो कहती हूँ हद होती है। जरा भी लिहाज नहीं किया नासिरा बेगम ने, और आप हैं बहन बहन कहते, आपकी जुबान नहीं थकती। कमाल हो गया। अरे कहाँ अकील और कहाँ मेरी बेटी हुमा? है कोई जोड़ है दोनों का? नसर बट्टू ना हो तो, साथ आया होता ना, ऐसा सुनाती कि तबीयत साफ हो जाती उसकी। शायस्ता इतना गुस्सा भी मुनासिब नहीं होता। अच्छा वाह जी वाह, मैं तो कहती हूँ उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी चांद सी बेटी का नाम लेने की। अरे सादिया के लिए तो मैं इसलिए मान गई थी कि सादगी की वजह से उसके रिश्तों का मसला हो रहा है, मगर मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हुमा की बात कर देंगे आके। और आप भी चुपचाप बैठे रहे, कोई बात नहीं की आपने, बहुत गुस्सा है मुझे आप पर। मेरे तो गुमान तक में नहीं था, वरना मैं उसी रोज मना कर देता जब नासिरा ने मिठाई लेकर आने की बात की थी। अब आई ना जवाब मांगने के लिए तो साफ साफ खरी खरी सुना दूंगी। हे गजब खुदा का,
बेटा क्या मिनिस्टर लगा है? दिमाग खराब हो गए इन लोगों के? मेरा ख्याल है हमारी खामोशी से नासरा को अंदाजा तो हो ही गया होगा। अब वो हुमा का नाम लेकर दोबारा बात नहीं उठाएगी। बड़े ढीठ हैं आपके खानदान वाले, इतनी जल्दी नहीं आएगी। साफ साफ बात करना होगी हमें। सादिया ने ज्यादा असर तो नहीं लिया? वो ठीक तो है ना? हुमा ने बहुत बुरा महसूस किया, बहुत बुरा लगा उसे। ये चांद सा टुकड़ा मेरी झोली में भी डाल दे, मेरे घर में भी उजाला कर दे। हाय तोबा, इतनी मेहनत से आप ही को तैयार किया था, नया जोड़ा, फैशन, मेकअप, और आप ही बेचारी भी कितनी खुश लग रही थी। सीमी बस करो, हद हो गया, चुप हो जा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पुप्पो साहिबा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। और वो साहबजादे लगता है आईना नहीं देखते। वैसे हुमा, बड़ी वैल्यू है तुम्हारी भाई, आप ही को लोग छोड़कर तुम्हारी तरफ बढ़ते हैं। ऐसे रिश्ते आप ही कोई मुबारक हो। हुमा, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जो जिसकी किस्मत में होता है उसे वही मिलता है। नसीब, लगता है आप ही को अभी खूबसूरती की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। तभी तो अकील मियां तुम्हारी खूबसूरती में मर बैठे। मेरा तो दिल कर रहा है फोन करके उस घामड़ को खरी खरी सुनाओ। अरे तो मुश्किल क्या है, आज रात को ही काम कर लेते। दफा करो, खानदान का मामला है, पुप्पो साहिबा अब्बू को शिकायत लगा देंगी। हाँ, वैसे बड़ा ही मजा आता। दिल का दिया जल के जिया, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। बेटा, आज नासरा ने जो कुछ किया वो गलत था, मगर हम किसी को उसके ख्यालात के इजहार से रोक तो नहीं सकते ना। जी अब्बू, मैं जानती हूँ। बेटा, इन बातों को अपने दिल पर मत लेना। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, और उन खूबियों की कदर करने वाला दूसरा इंसान इस दुनिया में जरूर होता है। बेटा, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी तुम्हारी कदर करने वाला जरूर मिलेगा। बेटा,
हौसला नहीं हारना। तुम तो मेरी सबसे ज्यादा हिम्मत वाली बेटी हो ना। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो बेहतर करे। सादिया, तुमने सर जाफरी से बात की? कौन सी बात? अरे वही ट्रिप वाली बात। और कौन सी बात? तुमने कहा था जाएंगे, मना लेंगे। हो सादिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं देख रही हूँ तुम सारा दिन खोई खोई से रहती हो। कुछ नहीं, मैं सोचती हूँ इस चार दीवारी के बाहर जो दुनिया है वो कितनी मुख्तलिफ है, उसके तकाजे ही और हैं। जब हम अगली दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि जो हमने किताबें पढ़ी थी उसका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ सब कुछ गलत है, या फिर ये अमली दुनिया ही गलत है। अगर हम करें भी तो क्या करें, किताबों को तो ओढ़ना बिछोना बना नहीं सकते, और ना ही उन किताबों में बनाए गए कवानीन को अमली दुनिया में लागू कर सकते हैं। क्या बात है, फलसफे की बोल रही हो? भूख लग रही है, चलो कैंटीन चलते हैं। आज का लंच मेरी तरफ से। मुझे भूख नहीं है। जरा सोचो, मेरी सगी फूफू जो हमेशा मेरी जहानत, मेरी तालीम को सराहती थी, उन्होंने जब अपना घर आबाद करने का सोचा तो उन्होंने मेरी छोटी बहन को पसंद कर डाला, और मैं उनकी आने की इत्तला पर ही खूब बन संवर कर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। सोचो मेरे लिए वो लम्हा कैसा होगा जब मेरे सामने उन्होंने मेरी छोटी बहन की ख्वाहिश कर डाली। क्या तुम अपने कजन में इंटरेस्टेड थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने कजन के बारे में बिल्कुल इस तरह नहीं सोचती, मगर दुख तो मुझे अपनी फूफो के रवैये पर है, जिस माशरे की सोच पे अफसोस होता है। अच्छा चलो छोड़ो, मिट्टी डालो उन सब लोगों पर। मुझे तो लगता है ये लोग मुझ पर मिट्टी डालकर मुझे दफन कर देंगे। ओहो सादिया, चलो भाई भूख लग रही है, अब अगर ऐसी रोती सूरत बनाई ना तो मार खाओगी मुझसे। शायद यही मेरा मसला है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। आओ बेटा। अबू, मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप कहीं जा रहे हैं? अरे नहीं, मैं वो रफी साहब की तरफ जा रहा था, लेकिन ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, और बात कर लो। अबू वो मैंने ये कहना था कि अगर हुमा के लिए कोई अच्छा रिश्ता है तो आप मेरी वजह से प्लीज इनकार मत कीजिएगा। बेटा कल रात भी मैंने तुम्हें समझाया था कि लोगों की बातों, उनके सताए रवैयों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। भी तुमने सुना नहीं कि हीरे की कदर तो सिर्फ जौहरी ही जानता है? लोगों की बातों की कोई परवाह ना किया। भाई मुझे यकीन है कि मेरी बेटी बहुत बख्तावर होगी। और मुझे आपकी हर बात पर यकीन है। तुम जानती हो बेटा कि तालीमी मैदान में तुम्हारी हर कामयाबी मुझे कितनी खुशी देती है, मेरा सर फखर से बुलंद हो जाता है। लेकिन अगर तुमने लोगों की बातों पे गौर करना शुरू कर दिया तो मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, तुम्हारी दिन रात की मेहनत जाया चली जाएगी। बेटा अब्बू आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपका कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहने दूंगी। बस मुझे दुनिया का सामना करने के लिए आपकी दुआओं की जरूरत रहेगी हमेशा। जीती रहो,
जीती रहो मेरी बेटी, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, मैं रहूं या ना रहूं। अब्बू ऐसे तो ना कहे। अम्मी वो मैं हामिद के घर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, आने में कुछ देर हो जाएगी, कुछ पैसे तो दें। क्यों पैसे क्यों चाहिए तुझे? बस चाहिए अम्मी, वो कॉपियां खरीदनी है मुझे। अच्छा ये ले। और सुन हामिद के घर जाएगा ना तो उसके रास्ते में सफूरा का घर आता है, उसे कहना कि अम्मी कह रही थी कि फौरन आकर मुझे मिल लो। जी बस ना। वो जो रिश्ते करवाती है। क्यों? मुझे नहीं जाना वाना उसके घर। तुझे क्या तकलीफ है जाने में? अब मैंने कहा ना मेरा पैगाम उसको देना है। चल जा। आप बिलाल क्या है यार, एक तो तुम देर बहुत करते हो यार। यार कैसे बात कर रहा है तू जोगी? अम्मी से पैसे निकलवा रहा था मैं। चलो ठीक है, प्रोग्राम तो पक्का है ना? अपनी पड़ोस वाली लड़की को बुलाया मैंने सिनेमा, वो भी आ रही है। नहीं यार। जी हैं? हाँ हाँ आ जा आ जा। तो फिल्म देखने का मजा आ जाएगा यार। आ जा आ जा। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिश्ते कराने वाली करती कराती कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे बटोरती है और वो निकल जाती है। अच्छा तो फिर क्या करूं, इश्तिहार लगवा दूं कि हमारे घर में एक सादा सूरत की लड़की आके ब्याह लो? हमारे अब्बा ने भी ना लाखों रुपए खर्च किए हैं उसकी तालीम पर। मैं कुछ ना बोली कि शायद तालीम ही उसकी सादगी का सहारा बन जाए, ये भी मेरी भूल ही थी। जब नासरा ने खुद ख्याल नहीं किया तो और कौन आएगा ब्याहने के लिए? तो अम्मी इसमें फुप्पो का क्या कसूर है? आखिर अब लड़के की भी तो ख्वाहिश होती है ना खूबसूरत बीवी की। अरे नासरा चाहती तो समझा सकती थी अपने बेटे को, मगर सच्ची बात बताऊं वो दिल से तुझे ही चाहती है। अब देखो ना, आम सी सूरत वाले भाई के लिए मुझ जैसी बीवी ला सकती है तो फिर अपने बेटे के लिए कहां मानेगी वो? अम्मी मैं आपको बता रही हूँ वो कोई ये बात दोबारा जरूर दोहराएंगी, और अगर अब्बू उनकी बातों में आ गए ना बस मैं कभी हाँ नहीं करूंगी। हे हे बेशरम ना हो तो। अरे किस तरह की बात कर रही है, तुझे कोई अकल तमीज है कोई लिहाज है? बड़ों के सामने कैसे बात की जाती है? हद होती है। सादिया को देखा कभी इस तरह से बात की है कभी? अच्छा उनके लिए अगर कभी कोई लड़का हाँ करके चला भी जाए ना तो गनीमत होगी। पता नहीं कहाँ नसीब लिखा है उसका। और नासरा की फिक्र मत करना, मैं हाँ नहीं करने वाली, और वैसे भी तुम्हारे अब्बा ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक बड़ी की शादी नहीं होगी छोटियों का सोचो भी मत। आप सच कह रही हैं ना अम्मी? हाँ फिक्र ना कर। अच्छा अब जाके हंडिया चढ़ा, देर हो जाएगी खाने में। वैसे आप ही अब तुम्हें खुद पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। मैं जैसी हूँ ठीक, लेकिन थोड़ा सा सजना सवरना तो चाहिए ना। अगर वो नहीं करना चाहती तो तुम जिद क्यों कर रही हो? ये क्या बात हुई, कैसे नहीं चाहती? अभी ने अपने लिए ना सही लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। हमारा क्या ताल्लुक है, इनकी मर्जी है ना। इनकी मर्जी कैसे? अब्बा ने कहा है जब तक बड़ी बेटी भी आई नहीं जाएगी तब तक हम छोटियों के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वैसे आप ही अगर तुम ना हमसे छोटी होती तो कितना अच्छा होता, कम से कम बाजी से तो छोटी होती। हाय बेचारी के कितने अरमान हैं दुल्हन बनने के। तुम ना बहुत पिटोगी मुझसे। अच्छा और वैसे भी क्या गलत कहा है मैंने, वालिदैन की फजूल जिद की वजह से कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां घर में कुंवारी बैठी रह जाती हैं कि जब तक बड़ी ब्याही नहीं जाएगी त-
तब तक छोटी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब भला बताओ, अगर बड़ी को कोई पसंद करके नहीं जाता है तो इसमें छोटी का क्या कसूर है? वैसे आप ही अपने वजन पे भी थोड़ा काम करना शुरू कर दो, थोड़ा सा कम कर लो इसको। अगर जरा सा कम हो गया ना तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो हर वक्त लोटपोट हुए हुए चिपके हुए बाल लगा कर रखती हो ना माथे पे, इनको भी कभी समेट लिया करो। हाँ वैसे बाजी कह तो ठीक ही रही हैं। इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मैं पहले ही अबू से कह चुकी हूँ कि जिसका जब जहां चाहे वो रिश्ता करते, मेरी वजह से किसी के अरमानों का खून करने की जरूरत नहीं है उन्हें। बड़ी आई, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, शादी हो रही तुम्हारी। छोटी छोटी बातों पे मैं खुश नहीं होती। छोड़ो अब सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आप वेट करें, मैं फोन करके आपको बताती हूँ। बेबी आप फोन करती रहिए, मैं खुद ही जाके मिल लेता हूँ। सर मेरी बात तो सुनिए सर, एक मिनट। जी सर, कोई साहब जबरदस्ती आपके रूम में आना चाह रहे हैं। क्या, कौन है? पता नहीं, नाम नहीं बता रहे वो। अच्छा ठहरिए मैं आता। अरे ब्रदर कैसा है? राहिल तू? अरे भाई खुदा का शुक्र है कि तूने मुझे पहचान लिया, पर ना ये तेरे ऑफिस वाले तो पूछ गछ के बाद ही तुझसे मिलने देंगे मुझे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कसम से। भाई लाजमी सी बात है यार, मतलब मेरे ऑफिस का स्टाफ है, उसको क्या पता कॉलेज के जमाने में मेरा कौन कौन दोस्त था। तू बता, अचानक टपक पड़ा, खैरियत तो है? भाई तेरे सारे सवालों के जवाब एक साथ दूं या अलग अलग? नहीं बदल सकता, तू नहीं बदल सकता। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी भी मैं वैसा का वैसा ही हूं। अभी भी मुझे उतनी ही भूख लगती है जितनी पहले लगती थी। और बात सुन, ये जो तेरे सारे सवाल है ना, उनके जवाब मैं ऐसे नहीं दूंगा, बता रहा हूं मैं। फिर कैसे देगा? कैसे दूंगा क्या मतलब? अरे भाई भूख लगी यार, खाना खाना है ना, सीधा सीधा बोल। और क्या? अच्छा मैं ये खत्म कर लूं फिर चलते हैं। फिनिश, बस फिनिश हो गया, ले बंद हो गया। चल 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 चल, बहुत भूख लग रही है, आजा 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 आजा। अच्छा बात सुन, पर्स रखा ना तूने साथ? अबे है, चल। चल आजा। आप चाय लेना भाई जी, ठंडी हो रही। चाय का तुमने खामखा तकल्लुफ किया, जी नहीं चाह रहा था। पता है मुझे, भाभी ने मेरे खिलाफ बातें करके आपको परेशान किया हुआ है। अब इसमें क्या गलत है? बेटे को ब्याहते हुए हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू चांस ही हो, और हमारी हुमा माशाल्लाह खानदान में सबसे खूबसूरत है। मेरी सादिया जैसी लड़की भी पूरे खानदान में नहीं होगी। इल्म, हुनर, अदब, आदाब, शराफत, वो इन सारी खूबियों से मालामाल। अल्लाह हमारी सादिया के नसीब अच्छे करेगा, वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आला तालीम हासिल कर रही है, तो कल को मुलाजमत करेगी ना। नौकरी करना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे तो घरेलू लड़की चाहिए जो मेरा पूरा घर संभाले। और मेरे अकील ने भी ना हुमा को पसंद किया है, वो भी चाहते है कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब भाई जी वो दौर तो रहे नहीं है कि माँ बाप ने पसंद किया और बेटे ने हाँ कर दी। वक्त बदल गया है, जमाने के साथ चलना पड़ता है, औलाद की भी सुननी पड़ती है। बात तो ठीक है तुम्हारी। देखिए भाई जी, आप समझदार हैं, मेरी बात गौर से सुने। माशाल्लाह तीन तीन बेटियां हैं, अब यूं जरा जरा सी बात पे अगर रिश्ते लौटाने लगेंगे तो बेटियों की शादी कैसे होगी? और फिर अकील हुमा से शादी के बाद आपका दामाद थोड़ी बन जाएगा, आपके बेटों की तरह रहेगा। ठीक, चाय बिस्किट लेना। प्लीज थैंक यू। अच्छा भाई
आप क्या पियेंगे, चाय या ग्रीन टी, कॉफी, व्हाटएवर यू वांट टू? दूध पत्ती. एक्सक्यूज मी, चाय दे दीजिएगा प्लीज. मलाई मार के. मुझे समझ नहीं आता कि तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन कैसे गया. क्यों भाई, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट मलाई वाली चाय नहीं पीते? हर सवाल का जवाब है तेरे पास. आज तुझे यूं अपने सामने अचानक देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो. अबे तो तुझे किसने कहा है कि तू खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ? जरा देख अपने आप को, क्या हाल हो गया तेरा. नवाब ज्यादा हसन कभी ऐसा तो ना था. You're right. ऐसा कभी नहीं था. यार जिंदगी का मौसम कुछ ऐसा बदला कि हर तरफ खिजा ही खिजा है. मिस्टर हसन, जब तक आप बैक मिरर में देखते रहेंगे ना, जिंदगी की गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी. छोड़ यार माजी को, जिंदगी तेरे इस्तकबाल में रास्ते खोले खड़ी और तू पीछे की तरफ जा रहा है. क्या हो गया है तुझे यार? हाँ, वेरी क्विक, थैंक यू. अरे यार तुम जा रहे हो? तुम आओ तो सही, तुम आओ. अरे आगे आओ. अरे वहां चलो तो बस चुप रहो तुम. मेरे साथ आओ तो सही. आओ तो सही. अरे तू मुझे लेकर कहां जा रही हो, बताओ तो सही. ये देखो. ये क्यों? देखो कितना प्यारा शेड है. तुम लगाओ, अच्छी लगोगी. अभी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? मुझे आज तुम्हें अख्तर से मिलवाना है. अख्तर? कौन अख्तर? एक हैंडसम सा लड़का है और तुम उसे पसंद आ गई हो. तुम्हें पता है ना, मैं ऐसा वक्त दोबारा नहीं आएगा. लास्ट के दो पीरियड गोल करते और चलते. मिल लो, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना फिर कोई और देख लेंगे. अच्छा चलो, अब ये लिपस्टिक लगा लो. और वो जो पिछली जानी रास्ता है ना, कहाँ जा, कंस्ट्रक्शन हो रही है? हाँ भाई वही, वहां से चलते. अच्छा तुम ये लिपस्टिक तो रखो, मुझे पीरियड अटेंड करना है. ओके, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ. अच्छा मैं जा रही हूँ. हाँ अख्तर सुनो, वो आ रही है. ठीक है, और मेरा कमीशन अब तैयार रखना. नहीं नहीं पैसे वाली तो नहीं है. हाँ मगर पैसा बना जरूर सकती है. ओके अल्लाह हाफिज़. सफूरा बड़े दिन बाद चक्कर लगाया, मैं तो बहुत याद कर रही थी तुम्हें. शाइस्ता बीबी, उस रोज तो मुझे ऐसा निकाला जैसे दूध में से मक्खी, पर आज सफूरा कैसे याद आ गई? वो उस रोज तो पता है मेरी तबीयत भी खराब थी, सर में भी दर्द हो रहा था, और देखो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाला. चाय बनवाऊं, पियोगी? खाना क्या पकाया है? खाना भी खा लेना, आलू गोभी बनाया, बस जरा नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया. थोड़ा थोड़ा लगा के खाओगी ना रोटी के साथ तो वो ठीक रहेगा. कभी ढंग का भी पका लिया करो. ये बताओ मुझे क्यों बुलाया? बस ऐसे ही बात करने को जी कर रहा था. काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र ठीक ही चल रहा है. चलो अल्लाह बरकत डाले. कोई अच्छा रिश्ता है? हमने सोचा है कि हम राशिद की शादी करें. कोशिश करके देख लें, मुमकिन है किसी बाप को अपनी बेटी बोझ लगती है. अम्मी आपने सारे पैसे बिलाल को दे दिए.
ये भी नहीं पूछा कि इसे क्यों चाहिए? किताबों के लिए तो मांग रहा हूँ पैसे, उड़ा थोड़ी रहा हूँ कहीं पे। ठीक ही तो कह रहा बेचारा, पढ़ाई के लिए चाहिए ना। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्च करते हैं, कभी किसी ने पूछा? भाई हमें हुमा पसंद है, हमने उसके लिए रिश्ते की बात कर दी। और हमें हुमा के लिए अकील पसंद नहीं है। आम सी शक्ल का लड़का है, ढीला ढाला सा, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि नींद में मेख निकालने वाली सास। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं हम चले जाएंगे। लेकिन शहर के हालात ठीक नहीं है। हाय अल्लाह, सीनी बाहर आओ ना। आ जाए ना। अरे मुझे 100% यकीन है ये अच्छे इंसान है। आई।